स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में चैप्टर 14 व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या है? ओके, तो क्या दिया है? ए ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपको तीन ग्रुप्स दे रखे हैं और तीन ग्रुप में दो दो आइटम हैं, मतलब टोटल हमारे पास कितने मैंगोज हैं? टोटल हमारे पास 6 मैंगोज हैं। 6 मैंगोज को तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब तीन ग्रुप बना दिए हैं। तो एक ग्रुप में कितने रखे हैं? 1 2, सेकेंड ग्रुप में 1 2, थर्ड ग्रुप में 1 2। तो तीन ग्रुप हैं और एक ग्रुप में कितने मैंगोज हैं? 2 मैंगोज हैं। ओके, आर 3 ग्रुप्स ऑफ मैंगोज। मैंगोज के कितने ग्रुप हैं? मैंगोज के 3 ग्रुप हैं, 1 2 3। तो इसलिए क्या दिया है यहाँ पर? 3 ग्रुप्स ऑफ मैंगोज। ठीक है, तो क्या लिख दिया है? 3। नेक्स्ट है, देयर आर 2 मैंगोज इन ईच ग्रुप। हर ग्रुप में कितने मैंगोज हैं? तो देखिए, पहले में 2, दूसरे में भी 2 और तीसरे में भी 2। तो हर ग्रुप में 2 मैंगोज हैं, 2 मैंगोज इन ईच ग्रुप। ईच ग्रुप में कितने मैंगोज हैं? 2। ठीक है, आगे है, देयर आर 6 मैंगोज इन ऑल। पूरे मैंगोज कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। 6 मैंगोज हो गए टोटल। ठीक है, तो देखिए कितने ग्रुप्स हैं? 3, और ईच ग्रुप में कितने मैंगोज हैं? 2, और सारे मैंगोज कितने हैं? 6। तो क्या कहा है आगे? डू यू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि मैंगोज टोटल कितने हैं? तो ऐसे पता लगाएंगे, यू डू 2 + 2 + 2 इक्वल्स टू 6 मैंगोज इन ऑल। तो हमने देखिए, एक ग्रुप में कितने हैं? 2, दूसरे ग्रुप में भी 2, तीसरे ग्रुप में भी 2। देखिए 2 2 2, इसका मतलब है कितने हो गए टोटल मैंगोज? 6। ठीक है, दिस रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए, 2 को हम बार बार ऐड कर रहे हैं, और कितनी बार ऐड कर रहे हैं? 3 बार, क्योंकि 3 ग्रुप्स हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। जैसे ग्रुप कितने हैं? 3, और एक ग्रुप में कितने मैंगोज हैं? 2। तो 3 2 कितने हो गए? 6। मतलब हमें इतने जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम ऐसे कर सकते हैं, जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा। 3 में 2 मल्टीप्लाई किए इक्वल्स टू 6 हो गए। तो देखिए, आंसर हमारे दोनों में सेम आएगा, मगर इसमें हम देर में ऐड कर पाएंगे और जब टेबल पढ़ेंगे तो जल्दी से हम कर सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। तो देखिए, यहाँ पर पिक्चर्स दी हैं और यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है सेंटेंसेस। तो देखिए, यहाँ ऑरेंजेस दिए हैं पिक्चर में, कितने ग्रुप हैं? 1 2 3 4। चलिए लिख लेते हैं, 1 2 3 4, कितने ग्रुप्स हो गए? 4 ग्रुप्स हो गए। और एक ग्रुप में कितना ऑरेंजेस हैं? 3। देखिए, सब में 3 है ना, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, चलिए आगे क्या दिया है? आर 4 ग्रुप्स ऑफ ऑरेंजेस। कितने ग्रुप्स हैं? 4। तो यहाँ क्या लिख दिए? 4। ठीक है, 4 ग्रुप्स हो गए। नेक्स्ट है, देयर आर 3 ऑरेंजेस इन ईच ग्रुप। और हर ग्रुप में, मतलब ईच ग्रुप में कितने ऑरेंजेस हैं? 3। तो यहाँ लिख दिया 3। ठीक है, देयर आर 3 ऑरेंजेस इन ईच ग्रुप। आगे है, 3 + 3 + 3 + 3 इक्वल्स टू कितने हो गए जोड़ के? 12 ऑरेंजेस इन ऑल। टोटल ऑरेंजेस कितने हो गए? 12 हो गए। तो हमने देखिए, 3 + 3 + 3 + 3, तो इनको हमने ऐड किया, तो इसे बोलते हैं एडिशन फॉर्म। ठीक है, तो देखिए कैसे आ गए ये 3। ये पहले ग्रुप में है 3, दूसरे ग्रुप में 3, तीसरे ग्रुप में भी 3, और चौथे ग्रुप में भी 3। तो टोटल ऐड किए कितने हो गए? 12 ऑरेंजेस इन ऑल। ठीक है, तो ये एडिशन फॉर्म हो गया। अब हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म और बता दें आपको, कितने, देखिए कितने ग्रुप्स हैं टोटल? 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 लिख दिया है यहाँ पर हमने, 4 ग्रुप हैं, और एक ग्रुप में कितने ऑरेंजेस हैं? 3 ऑरेंजेस हैं, तो 3 ऑरेंजेस लिख दिया। तो 4 3 क्या हो गया? 12 हो गया। 4 3 12। ओके, तो ये एडिशन फॉर्म हो गई और ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो गई। तो एडिशन फॉर्म तो
लंबी होती है, मतलब हमें देर लगती है ऐड करने में, हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करेंगे तो जल्दी आंसर आ सकता है, तो मगर आंसर दोनों में सेम आएगा। ओके बच्चों, जो देखिए यहाँ दिए एक्सरसाइज 1, कंप्लीट द एडिशन फैक्ट्स। यहाँ पर आपको एडिशन फैक्ट्स दिए हुए हैं। देखिए डक बनी हुई है इस पिक्चर में, तो देखिए एक पिक्चर में मतलब एक ग्रुप में कितनी डक हैं, टू डक, वन टू, और दूसरे में वन टू, तीसरे में वन टू। ठीक है, तो एक ग्रुप में हो गई टू, तो देखिए यहाँ टू लिख दिया, प्लस दूसरे ग्रुप में कितनी है टू, तो टू लिख दी, और तीसरे ग्रुप में कितनी है टू, तो टू लिख दी, तो इन सबको ऐड किया तो कितना आ गया, सिक्स आ गया। तो यही होता है एडिशन फैक्ट। ओके, आगे है, ये लैंप दिए हुए हैं, तो एक ग्रुप में कितने लैंप हैं, वन टू वन टू वन टू वन टू, तो कितने लैंप हो गए टोटल, तो यहाँ लिखेंगे। पहले देखिए एक ग्रुप में टू, दूसरे ग्रुप में टू, तीसरे ग्रुप में टू, चौथे ग्रुप में टू, तो टोटल हमारे कितने हो गए, फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो कितने हो गए एट। ठीक है, अब नेक्स्ट है कितने फ्रॉक्स हैं, तो देखिए एक ग्रुप में वन टू थ्री फोर, दूसरे ग्रुप में वन टू थ्री फोर, तीसरे ग्रुप में वन टू थ्री फोर, तो देखिए यहाँ लिखा है एक ग्रुप में फोर, दूसरे ग्रुप में फोर, और तीसरे ग्रुप में फोर, तो कितने हो गए, फोर फोर एट, एट और फोर ट्वेल्व। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ये क्या दिए हैं, डोनट्स दिए हुए हैं, तो एक ग्रुप में कितने हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव 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 फाइव, देखिए पहले में फाइव, दूसरे में फाइव, तीसरे में फाइव, चौथे में फाइव, तो फाइव फाइव टेन, टेन ओ फाइव फिफ्टीन, फिफ्टीन ओ फाइव ट्वेंटी, तो कितने हो गए आपका 20। ठीक है, तो सभी बच्चे वाली एक्सरसाइज किस में करोगे, सभी बच्चे वाली एक्सरसाइज आप बुक में ही करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज निकाल लीजिए, कंप्लीट द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। यहाँ पर एडिशन आपको कंप्लीट करना है एंड मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, तो आज हम इसमें एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितने ग्रुप्स बने हैं, वन टू थ्री फोर, और इसमें फ्लावर्स बने हैं, तो एक ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं, थ्री, और थ्री थ्री थ्री, तो सब में थ्री थ्री हैं, तो देखिए फर्स्ट में मतलब फर्स्ट ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं, थ्री लिख दिया है, सेकेंड ग्रुप में थ्री, थर्ड ग्रुप में थ्री, फोर्थ ग्रुप में थ्री, तो देखिए इन सबको ऐड किया कितने आ गए हमारे, ट्वेल्व आ गए। ओके, अब देखिए कितने ग्रुप्स हैं, फोर ग्रुप्स हैं ना, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ लिख दिया है फोर, और हर ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं, थ्री, हर ग्रुप में कितने फ्लावर्स हैं, सब में थ्री, तो फोर थ्री ना ट्वेल्व। ठीक है, तो ये हमारी एडिशन फैक्ट हो गया, मतलब एडिशन फॉर्म हो गया, और ये हमारा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब आगे है फोर टाइम्स थ्री इज ट्वेल्व, मतलब थ्री कितनी बार है, फोर टाइम्स है, थ्री फोर टाइम्स है, तो थ्री फोर का कितने होते हैं, ट्वेल्व होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको फिश दी हुई है। ठीक है, तो देखिए इस ग्रुप में कितनी फिश है, फर्स्ट ग्रुप में फोर, सेकेंड ग्रुप में फोर, थर्ड ग्रुप में फोर, फोर्थ ग्रुप में फोर, तो इनको ऐड करना है हमें, फोर ओ फोर एट, एट ओ फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व ओ फोर सिक्सटीन, तो सिक्सटीन लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया एडिशन फॉर्म। नेक्स्ट है, अब देखिए कितने ग्रुप हैं, वन टू थ्री फोर, तो फोर ग्रुप्स हैं, तो फोर लिख दिया, अब एक ग्रुप में कितनी फिश हैं, फोर हैं, तो फोर लिख दी, ग्रुप फोर है और फिश भी कितनी है, फोर, तो फोर फोर का कितने होते हैं, सिक्सटीन, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। अब है फोर टाइम्स फोर इज डैश, मतलब फोर फोर टाइम्स है, फोर फोर टाइम्स है, तो फोर फोर का कितने होते हैं, सिक्सटीन, तो सिक्सटीन लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है ये है बैल्स बनी है, तो देखिए एक ग्रुप में कितनी बैल्स हैं, फोर, और इस ग्रुप में सेकंड ग्रुप में भी कितनी बैल्स हैं, फोर, तो फोर और फोर कितने होते हैं, एट होते हैं, कितने होते हैं, एट होते हैं। अब देखिए ये हो गया एडिशन फैक्ट और ये है मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, तो देखिए
कितनी ग्रुप्स हैं, तो कितने ग्रुप्स हैं, टू, वन टू, तो टू लिख दिया। और कितनी बॉयज हैं, एक ग्रुप में फोर, तो यहाँ फोर लिख दिया। कितने ग्रुप्स हैं, टू, और बॉयज कितनी है एक ग्रुप में, फोर, तो टू फोर का कितने होते हैं, एट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लीकेशन फैक्ट, ये हो गया एडिशन फैक्ट, फैक्ट बोलो या फॉर्म बोल लो। ओके, अब आगे है, टू टाइम्स फोर इज डैश, फोर टू टाइम्स है, तो फोर टू का कितने होते हैं, एट। ओके, और ये देखिए आगे जो D E F, तो ये आप खुद करिएगा। ठीक है बच्चों, और ये वाला वर्क किस पे करना है आपको, केवल आप बुक में कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।